स्टार्ट। नमस्कार मैम, बच्चे लो कॉन्फिडेंस कब फील करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और ऐसे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट भी है जिनके आंसर्स मिलने चाहिए। बच्चा कॉन्फिडेंट कब फील करेगा, ये काफी हद तक उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और बच्चे का कॉन्फिडेंस लो कैसे होता है, ये उसके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड या कभी कभी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, जो कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो कर देता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब बच्चे को डांटना, उसकी मर्जी का ना करने देना या बिल्कुल भी उसकी चीजें ना चलना, तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो करता है। अगर हम प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट की बात करें तो बच्चे को बहुत ही संभाल के रखना कि अगर कहीं गया तो तुम्हें कुछ चोट लग जाएगी, या बाहर ना जाने देना कि कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत ही प्रोटेक्शन में रखना भी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो चीजें समझेगा नहीं। और इसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स बच्चों पर बहुत जल्दी अग्रेसिव होकर हाथ उठा देते हैं, तो ऐसे में बच्चे कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें पेरेंट्स के साथ नहीं रख पाते हैं। इसके साथ साथ कंपैरिजन, कंपैरिजन बहुत ही बड़ी चीज है बच्चों में कॉन्फिडेंस लो होने के लिए, क्योंकि बच्चे का अक्सर अगर आप किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करेंगे कि आपका फ्रेंड या आपका क्लासमेट इस चीज में अच्छा है, उस चीज में आप नहीं अच्छे हो, या आपका फ्रेंड अच्छा कर रहा है आप अच्छे नहीं कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस लो करता है। इसी के साथ साथ बच्चे के व्यू पॉइंट को ना सुनना, उनकी बात को बिल्कुल भी तवज्जो ना देना। कभी कभी पेरेंट्स का ये कहना होता है कि आप छोटे हैं, आप किसी टॉपिक पे क्या बोलेंगे, तो उनकी बात नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें जो पेरेंट्स के द्वारा की जाती हैं, ये बच्चों के मन पे प्रभाव डालती हैं और उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो अगर पेरेंट्स इन कुछ चीजों को ध्यान में रखें तो वो भी अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।